भगवान के भरोसे है, तैयारी तो अपना है बट भगवान के भरोसे है। भगवान भरोसे परीक्षा देने आए? अब भगवान में भरोसा नहीं दिया तो एग्जाम कैसे निकलेगा? अगली बार परीक्षा देने आ रहा है, कोई डर लग रहा है? डर नहीं लग रहा, बस नेगेटिव पे कंट्रोल करना। क्या गलतियां हुई उसमें और इस बार क्या चाहेंगे कि नहीं दोहराए? हेलो एवरीवन, दिस साइड पटना लाइट, और आज से एसएससी एमटीएस का परीक्षा शुरू हो गया है। ये परीक्षा एक तरीके से महाकुंभ की तरह होता है, बहुत ज़्यादा कैंडिडेट्स एग्जाम में पार्टिसिपेट करते हैं, एक मंथ से ज़्यादातर ये परीक्षा चलता है और लगातार अब बिहार के अनेक जिलों से बहुत सारे स्टूडेंट आ करके विभिन्न जगहों पर परीक्षा देते हैं। फिलहाल परीक्षा केंद्र में पहले शिफ्ट की एंट्री शुरू हुई, जैसा कि आप देख सकते हैं गेट खुल चुका है, पहला डे पहला शिफ्ट का पेपर है और एंट्री शुरू हो जाए। कैंडिडेट्स लाइन में लग करके, जैसे कि तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि कैंडिडेट्स लाइन में लग करके अपने एंट्री ले रहे हैं और एंट्री शुरू होगा। चलिए कुछ कैंडिडेट से बातें भी करते हैं कि किस तरीके का उनका मोराल है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स उनको लेकर के आना है और किस तरीके से उनकी तैयारी अब तक की रही है। तो कहाँ से आए हैं सर आप? भदार से। भदार से। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स का रिक्वायरमेंट, डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है आज का? आज का आधार कार्ड, फोटो, एडमिट कार्ड। ओके, आप कहाँ से हैं सर? सीतामढ़ी से। कैसी तैयारी रही परीक्षा की? ठीक है सर, ठीक है जी। इससे पहले भी एमटीएस का दिए हैं, पहली बार देने आए हैं? नहीं, दिए थे इससे पहले एमटीएस जी। क्या सीन रहा पहले दिए थे तो? ठीक था, 110 के आसपास था। उससे तो कुछ सीख मिली होंगी, क्या करना है आगे? जी जी, रणनीति तैयार करके आए हैं। जी जी आए हैं। तो शुभकामनाएं आपको परीक्षा के लिए। थैंक यू सर। आपका कैसा रहा? ठीक है। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर क्या है? आधार कार्ड, 2 फोटो, एडमिट कार्ड। ठीक है, पूरा तैयार है परीक्षा के लिए? हाँ। पूरा हाई है मोराल? ठीक है, शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। आप कहाँ से हैं पाजी? सर मैं गोपालगंज से आया हूँ। कैसी तैयारी है? तैयारी बहुत अच्छी है सर। अच्छी है, फ्रेशर है, फर्स्ट अटेम्प्ट ले रहे हैं। पहले अटेम्प्ट ले रहे हैं? जी जी बिल्कुल। ठीक है, पूरा तैयार। पहले हम सीएचसी सर के एग्जाम दिए हुए हैं। कुछ तो आइडिया होगा एसएससी के पेपर के बारे में? बहुत, काफी हद तक आइडिया है सर। आइडिया है? हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या लेकर आए? डॉक्यूमेंट में बस कंपलसरी में जो आपको क्या बोलते हैं, एडमिट कार्ड चाहिए, आधार चाहिए और 2 कलर पासपोर्ट साइज का फोटो चाहिए, बस यही कंपलसरी है, इसके अलावा और कुछ नहीं। शुभकामनाएं आपको। थैंक यू सर। आप कहाँ से आए हो? पटना से ही है। पटना से ही आप? पटना के लोकल लाइट हैं आप, क्या बोलेंगे आने वाले कैंडिडेट के लिए, मतलब कैसे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर क्या आना, किस तरीके से तैयारी हो? डॉक्यूमेंट्स आधार, पैन, ये सब में से कोई भी एक होना चाहिए और फोटो वगैरह। अच्छा, इससे पहले आप एमटीएस से परीक्षा दिए या पहली बार? ये सेकेंड अटेम्प्ट। क्या सीखे पहली बार के परीक्षा से? पहले वो मतलब मैनेज, टाइम मैनेज होना चाहिए, थोड़ा सा हो जाता है। 1.5 घंटे की परीक्षा है आज, कितना तैयार हैं? अपना तरह से तो पूरा है, पूरा देके आएंगे। पूरा मेंटली स्ट्रांग है कि 1.5 घंटा पर बैठना है, सब सवाल सॉल्व करना है? हाँ, अपना तरह से पूरा कोशिश है कि हम बना के आए। हाँ, बट हाँ, उसके बाद देखेंगे कैसा क्वेश्चन, उसके बाद ही डिसाइड। अपना तरह से पूरा कोशिश है, बना के आएंगे। सबसे वीक जोन कौन है आपका, मतलब जिसमें डर लगता है थोड़ा? रीजनिंग। हाँ, रीजनिंग तो एसएससी का थोड़ा सा हल्का माना जाता है। हाँ, बट थोड़ा मेरा फर्स्ट ईयर का एग्जाम भी चल रहा था, थोड़ा फर्स्ट ईयर का एग्जाम 29 तारीख को ख़त्म हुआ। हाँ, हाँ। तो थोड़ा रीजनिंग थोड़ा वीक हो गया, पढ़े नहीं। अच्छा, ऐसे तैयारी है, अब देखिए क्या होता है। पहली बार दे रहे एमटीएस का परीक्षा, पहले भी दिए हैं? नहीं, मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है। हाँ, शुभकामनाएं आपको पहले अटेम्प्ट के लिए। थैंक यू। आप कहाँ से आएँ? मुजफ्फरपुर से। पूरा तैयार? जी सर, पूरा तैयार। क्या क्या लाए हैं डॉक्यूमेंट में आप? डॉक्यूमेंट में एडमिट कार्ड, पैन कार्ड और आधार कार्ड, 2 फोटो। अच्छा, बेल्ट वगैरह पहने कि नहीं? नहीं नहीं, सब उतार दिया ना? जी। बहुत शुभकामनाएं आपको। थैंक यू। कैसा रहा आपका, कहाँ से आए हैं आप? जहानाबाद। जहानाबाद से। कितने तैयार हैं आप? अच्छे हैं, पूरे तैयार हैं। पहली बार देने जा रहे हैं एमटीएस की, इससे पहले भी दिए हैं? पहले भी दे चुके हैं। पहले भी दिए हैं, बस पहले जो परीक्षा दी उसमें कोई क्या हुआ? रिजल्ट नहीं दिया है। रिजल्ट नहीं मिला है? अच्छा, क्या सीखे और इस बार क्या करने जा रहे हैं, क्या रणनीति बनाए उसे सीख के? बस नेगेटिव पे कंट्रोल करना है। नेगेटिव ज़्यादा हो गया था क्या पिछले बार? हाँ, नेगेटिव ही मैटर करता है मेरिट पे, एक नंबर पे 4 मैटर करता है। ऑल द बेस्ट आपको परीक्षा के लिए। थैंक यू। आप कहाँ से आए हैं? सारण से आए। कितना तैयार हैं आप? फुल तैयार हैं। पूरी तैयारी के साथ आए? यस सर। पूरा सब पूरा हाई है मोराल? यस सर। शुभकामनाएं आपको। आप कहाँ से हैं? पुनपुन से। और आप? फतेहपुर से। पूरा तैयार है परीक्षा के लिए? एकदम पूरा तैयार। पहला अटेम्प्ट है या फिर पहले भी दिए हैं? पहला अटेम्प्ट है। पहली बार परीक्षा देने आ रहा है, कोई डर लग रहा है? कुछ डर नहीं लग रहा है। इससे पहले भी मतलब और एग्जाम दिए, मतलब ये वाला पहला एग्जाम है। मतलब तैयार है, मतलब पूरा तैयार करके आए हैं पूरा? हाँ, थोड़ा सा इंग्लिश में लग रहा है। इंग्लिश में डर लग रहा है? बिहार बोर्ड के स्टूडेंट को थोड़ा सा तो डर लगता है। लगता है, इससे इंग्लिश थोड़ा सा कमजोर रहता है ना। हाँ हाँ।
फिर भी डरने की कोई बात नहीं है, जो होगा देखा जाएगा। अभी पहला अटेम्प्ट है और एक अटेम्प्ट करेंगे, अगर हो सकता है अभी ना हुआ तो अगला बार में। अरे हो जाएगा इस बार ही, बस बढ़िया से दीजिएगा। बहुत बढ़िया, शुभकामनाएं आपको। आप कहाँ से आए? पटने की धरती से। पटने की धरती से हैं, पूरा मुस्कार है, मतलब पूरा तैयारी है। अब भगवान के भरोसे है, तैयारी तो अपना है, भगवान के भरोसे है। भगवान भरोसे परीक्षा देने आए? अब भगवान पे भरोसा नहीं दिया तो एग्जाम कैसे निकलेगा? बिल्कुल बिल्कुल, एक फेथ होता है भगवान, फेथ होता है, तैयारी रहता है, एक फेथ भी होता है कि हमारे साथ कोई शक्ति है। जो जब तैयारी रहती है ना और फेथ जुड़ जाता है तो सक्सेस मिलता है। बट इस बार वैकेंसी बहुत 1300 है और पिछले बार का रिजल्ट भी नहीं आया है एमटीएस का, बस वही दिक्कत है। रिजल्ट देता तो अच्छा रहता, जिससे पिछला बार का जो स्टूडेंट था वो पार्टिसिपेट नहीं करता इस बार, फिल्टर हो जाता। फिल्टर हो जाती। ठीक है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लाए हैं? एडमिट कार्ड लाए हैं और एक फोटो आईडी पहचान पत्र और एक आईडी। अच्छा, वही लग रहा है। बहुत सारे कैंडिडेट घबराए होते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लेकर के आना है, डरे रहते हैं, पहली बार जो परीक्षा देते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट लाना है सेंटर पे, थोड़ा बता दीजिए सबको। आधार कार्ड, फोटो और पैन कार्ड, एडमिट कार्ड आना। अच्छा, आप पहली बार दे रहे परीक्षा? पहली बार। अच्छा, आप तो घबरा नहीं रहे हमको लग रहा है? नहीं, आर्मी का दिए थे एक बार तो। अच्छा, एक बार दिए हैं तो जो कैंडिडेट आएंगे उनको घबराने वाला कोई बात है? नहीं, कोई घबराने वाली बात नहीं है ना, पूरा मुस्तैदी से पूरा तैयार। यस, चलिए शुभकामनाएं आपको, अच्छे से दीजिएगा। आप कहाँ से है? पटना। पटना से है, अभी पूरा तैयार है? हाँ ठीक। इससे पहले भी दिए एमटीएस या पहली बार? पहली बार। पहली बार एसएससी का पेपर? एक भी नहीं दिया एसएससी का पेपर? नहीं, एसएससी पहला पेपर एक्सपीरियंस करने जा रहे हैं। चलिए शुभकामनाएं आपको। आप कहाँ से आए हैं? सीतामढ़ी। सीतामढ़ी से। सीतामढ़ी की धरती बहुत पावन धरती मानी जाती है, माँ सीता की। कितना तैयार है आप? अच्छा है, देखते हैं। देखते हैं, आप पहली बार दे रहे हैं एसएससी या पहले? सेकंड अटेम्प्ट, एमटीएस का सेकंड अटेम्प्ट। पहले बार से क्या सीखे आप? वही, घबराना नहीं चाहिए कभी। ठीक है, शुभकामनाएं आपको। तैयारी अच्छी रहनी चाहिए। और शुभकामनाएं आपको। आप कहाँ से हैं सर? समस्तीपुर से। समस्तीपुर से। आप कितना तैयार? भी तैयार है, पूरा तैयार है। पहले भी दिए हैं एमटीएस या पहली दिए हैं? पहली बार दिए हैं एमटीएस। क्या गलतियां हुई उसमें और इस बार क्या चाहेंगे कि नहीं दोहराए? इंग्लिश वीक रहती है, इसी मेन मुख्य यही है। अच्छा, इस बार इंग्लिश भी मतलब ठीक करके आना है। देख के तो आए हैं आप, देखिए सेट के ऊपर डिपेंड करता है कैसा सेट। सबसे कमजोर विषय आपका क्या? इंग्लिश। इंग्लिश, बिहार बोर्ड स्टूडेंट थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है इंग्लिश में। बिहार से आए? बिहार से। बिहार शरीफ से आए। आपका सबसे मजबूत विषय कौन है? सबसे मैथ है। मैथ? अरे बिहार के आदमी मैथ मजबूत ना, ऐसा हो सकता है? मैथ तो सब बना लेता 25 में 25। मैथ इंग्लिश कमजोर है कि मैथ स्ट्रॉन्ग? मैथ स्ट्रॉन्ग है, रीजनिंगो कर ही लीजिएगा। चलिए, आप सबको शुभकामनाएं, जितने भी कैंडिडेट्स परीक्षा देने के लिए आए हैं सारे कैंडिडेट्स को शुभकामनाएं देते हैं एंड ऑल द बेस्ट। और तमाम जो भीड़ है, तमाम जो छात्र हैं परीक्षा केंद्र पर आ चुके हैं, जितने भी छात्र परीक्षा केंद्र पर जा रहे हैं सारे छात्र को हम शुभकामनाएं विश करते हैं, उनका परीक्षा अच्छा हो। और परीक्षा के बाद भी हम मिलेंगे और उनसे बातें करेंगे, उनका पेपर कैसा रहा रिव्यू भी जानने की कोशिश करेंगे। और आप भी जितने व्यूअर्स देख रहे हैं, अगर आप भी कुछ चाहते हैं कि किस तरीके से इनसे सवाल पूछा जाए परीक्षा के बाद में, वो भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, वो सवाल हम इनसे करेंगे और आपको वो जानकारी आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल अभी का यही अपडेट है। और डॉक्यूमेंट्स में मैं बता दूं कि आपको एक कलरफुल एडमिट कार्ड, दो फोटोग्राफ और कोई भी एक वैलिड आईडी प्रूफ, जैसे कि टेंथ का मार्कशीट हो गया या फिर आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, कुछ भी चलेगा, आप लेकर के परीक्षा केंद्र पर आइए और आसानी से परीक्षा केंद्र प्रवेश करिए। फिलहाल मिलते हैं आपसे परीक्षा के बाद। इस तरह के अपडेट्स एंड रिव्यू के लिए हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए पटना लाइट एंड मेक श्योर आप हमारे एफर्ट के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।